और मैं कोई उसके लिए मेरा मैसेज ये है कि वो लोग मेहनत करें बहुत ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान स्टार्स वालों ने उनको उठाकर फेंका हुआ है और मुझे लगता है कि ये वाला सीजन टिकटॉकर्स नहीं जीत सकते, और अगर टिकटॉकर्स को ये वाला सीज़न जीतना है तो उनको बहुत 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 मेहनत करनी होगी। कैसा भाई? अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आज जीत रहे हम? आज हम जीत नहीं रहे, आज हम जीतेंगे। हम जीत गए हैं, आज हम जीत। हमारे प्यारे भाई टिकटॉकर्स के लिए कोई शेर? गली मिली बंजर, सामने वाली टीम मिली। यही शेर एक बार फिर से, लेकिन इस बार सेंसर नहीं होगा। नहीं नहीं यार, बुरी बात है यार। सेंसर बाद में हो जाएगा ना? नहीं, सेंसर एडिटिंग में होगा। सेंसर एडिटिंग, सेंसर एडिटिंग में होगा। मैं कह रहा हूँ ना, तू फटा करा देगा। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, और ट्विटर, मैं कह रहा हूँ ना आपको, मैं आपको कह रहा हूँ ना। एक अदबी शेर, चलो अदबी शेर। इधर सर को उधर सर को, मेरे पहलुओं से ना सर को। ओए होए बाबा, कौन तेरा बाप करेगा? वाह 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 वाह। इधर सर को उधर सर को, मेरे पहलुओं से ना सर को, अगर सर को तो ऐसे सर को, कलम कर दो मेरे सर को। वाह वाह, सो डीप। आई एम जॉन एलिया। अबे साले, पहले वाला। गली मिली बंजर, सामने वाली टीम मिली। ये कमेंट तो लोग बताएंगे, ना आधा वो कंप्लीट करेंगे। चल आ जाओ, पर चले आ जाओ, आधा उनके लिए छोड़ो। अकबर भाई टिकटॉकर्स के लिए, अकबर भाई कौन आपके पापा हैं? बाबर भाई, बाबर भाई, बाबर भाई, टिकटॉकर्स के लिए कोई शेर ऊंची आवाज में? ना दिन को सुकून ना रात को चैन, तोए जोए एन रैन, और कहा गया है जैन। कहा गया है जैन? नहीं नहीं, कोई सोचो, आप हमारी टीम में। अगर होता जैन, टिकटॉकरों की माँ बहन, और हमने जैन को बेच के ले लिया मिल्लत में। टिकटॉकर्स के लिए कोई शेर? शेर भले बदतमीजी वाले, भले चलो जैसा भी हो। मेरी आंखों में तुम जो देख रहे हो वो कोई मामूली चिंगारी नहीं है। वाह 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 वाह। मेरी आंखों में तुम जो देख रहे हो वो कोई मामूली चिंगारी नहीं है, हमारे ही मोहल्ले में आके हमें ललकार रहे हो, लगता है जान प्यारी नहीं है। ओए होए 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 होए, ये होता है शेर, ये होता है शेर मेरे भाई। शेरो शायरी जो है ना, ये होती है। बताओ, कहो ना कहो ये आंखें बोलती हैं, ओ सनम, शेर खत्म। पहली फुर्सत में निकल। कोई सा भी शेर या फिर कोई ऐसी बात हमारे प्यारे टिकटॉकर्स के लिए, अगर कोई शेर आता तो ठीक है, अगर नहीं आता तो कोई शेर बात। हेटर, हेटर, हेटर वाला, जलगार वाला, जलगार के लिए अर्ज किया है, अर्ज किया है, दिमाग में ला रहा हूँ, अर्ज किया है। पाकिस्तान स्टार को जब भी दिल से करना पड़ता है सामना, टिकटॉकर्स के ऊपर वाजिब हो जाता है हारना। ओए होए 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 होए, लेकिन अच्छा ये कर ले फराज भाई, अबे बहुत ही प्यारे भाई जी, कोई एक शेर या कोई एक छोटी सी बात हमारे प्यारे टिकटॉकर्स के लिए, अभी आप हैं पाकिस्तान स्टार की टीम में, टिकटॉकर्स के लिए कोई अच्छी सी बात, कोई शेर या कोई बात, कोई शेर टिकटॉकर्स के लिए, कोई या शेर व शायरी तो मुझे आती नहीं है बिल्कुल भी। लगाओ तो है, भी नहीं शेर शायरी से लगाओ तो है, आप सुनते हैं रात में बैठ के, मैंने देखा अक्सर तन्हाई में। क्या देखा है आपने? आप सुनते हैं, आप सैड रहते हैं किसी की यादों में, शायद वो भी लाहौर में कोई। इसके लिए मेरा मैसेज ये है कि वो लोग मेहनत करें बहुत ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान स्टार्स वालों ने उनको उठाकर फेंका हुआ है और मुझे लगता है कि ये वाला सीजन टिकटॉकर्स नहीं जीत सकते, और अगर टिकटॉकर्स को ये वाला सीजन जीतना है तो उनको बहुत 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 मेहनत करनी होगी। खुशी, इतनी खुशी असल भाई, आज कौन जीतेगा? टिकटॉकर्स या पाकिस्तान स्टार? इंशाल्लाह पाकिस्तान स्टार भी अच्छा खेल ले, लेकिन हम अपनी एफर्ट करेंगे, इंशाल्लाह पाकिस्तान स्टार जीतेंगे। लेकिन जीतेगा पाकिस्तान स्टार। थैंक यू सो मच। 75 लाख से ज्यादा शाकिर ने क्रिकेट मौजूद। कान में कुछ चले गया अबे, तो ऐसे कौन करता है ऐसे यार, पब्लिक में बैठ के ऐसा नहीं करते, और तुम अभी लाइव जा रहे हो, दिस इज अ बैड हैबिट। हम हार क्यों रहे हैं? एक देखो टीम में एक का भी मूड खराब होता ना पूरी टीम, और ये है मेरे भाई, देखो तेरे को हंस रही है, तेरे को हंस रही है अभी भी, क्या हंस रही है, देखो तेरे को अभी भी हंस रही है, देखो पॉइंट का मार्जिन है अभी पता, 7 पॉइंट का, 7 पॉइंट, 7 पॉइंट का, ये बातें खत्म नहीं हो रही है, गेम से भेजती नहीं है, ठीक है, गेम अच्छा, इधर ला, इधर ला, इधर ला, बोलो देखो एक एक करके बोलो, भेजी है कि इस गेम में ये जाएंगे फिर भी वही नहीं हो रहा, गेम आई नहीं मेरी, वो गेम आई है कौन सी, ये कौन सा फाइंड द बॉल, कौन खेलता है, खेलती हो तो जब लिखा, अब मुझे एक बात, मुझे लोग बोल रहे गेम्स नहीं खेलते,
मेरी बात सुनो, तो क्यों नहीं खेलती हो? अब मेरी बात सुनो, फाइंड द बॉल कोई भी खेल सकता है। मेरी बात सुनो, कोई भी खेल, कोई खेल नहीं। एक बात कर रहा हूँ, जनरल एक जनरल बात कर रहा हूँ। फाइंड द बॉल हम किस लिए रखते हैं पता है? यहाँ पर देखो, नई लड़की आई उनकी टीम में, उससे फाइंड द बॉल खेलवा। मुझे आज जो सबसे बेकार चीज़ लगी वो लगी टेबल टेनिस में अब्दुल्ला भाई का और दुआ का नॉन सीरियस एटीट्यूड। और वो नॉन सीरियस एटीट्यूड ये था, इनका खेल रहे थे, दिल से खेल रहे थे, लेकिन जैसे इनका गोल हो रहा ना, हंस रहे हैं, दोनों हंस रहे हैं। नहीं, मैं नहीं, तुम दोनों देखना, देखो ये है, ये है, ये दोनों हंस रहे थे। ये तो की तो पांच, देखो ऐसा है, तुमने नोट नहीं किया लेकिन ऐसा है, तुम्हारा जैसे गोल हो रहा ना तुम हंस रहे हो कि मतलब चलो यार खैर हो गई, हो गया हो गया हो गया। उसको उसको करो एग्रेशन में लो उसको। मैं जीत कर आती नबील के साथ इधर, तो मैं आओ मेरी मां, साथ की जड़ जो है ना वो ये गंजा है, सही है ये, ये मैं बता रही हूं। और तेरी भी गलती है, टेबल टेनिस तुझे जीत के आना चाहिए था ताकि मैं इसको बेचता। मैं बता और मैं रुकता कल के लिए। मैं बता अभी तक क्या सोच रहा हूं, मैं अभी तक ये सोच रहा हूँ कि हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग अच्छे अच्छे फेस बना कर अपनी टीम को जितवाना है ना, ठीक है, हमारे यहाँ पर फड्डा चल रहा है आपस में, पता नहीं किस बात पे और किसका फड्डे चल रहे हैं भाई। मैं बताऊँ, मैं बताऊँ, मैं नहीं भेज रहा हूँ, फड्डे चल रहे हैं कि इस गेम में मुझे क्यों नहीं भेजा, और मुझे बता मुझे आगे क्यों नहीं बनाने का फायदा दिख रहा है। ये पड्डा है, ये पड्डा है, आप देख रहे हैं ना टीवी पे भी आज का शो, जैसे ही एक बंदा एक एक बंदी पीछे गई उसका आपका कहने का मतलब ये है बिल्कुल, लेकिन आगे बैठने और पीछे बैठने वाली बात पे बिल्कुल माइंड बिल्कुल यही हुआ, यही हुआ। अनिल का ने पसौड़ी डाल दी, अनिल का नाम तो हमने लिया ही नहीं। मैं लोड़ी पसौड़ी से याद आया, अली भाई ने क्या गाना गाया यार, पसौड़ी, हाय हाय हाय, कोक स्टूडियो, तू पब्लिसिटी कर रहा है यहाँ पर, हाय हाय हाय, कोक स्टूडियो, चोको यार, हमारे हारने की क्या वजह? प्लीज टेल, आप लोग के हारने की वजह यही है कि आप आगे बैठने पे, हाँ आगे बैठने और पीछे बैठने पे यूनिटी है मेरे भाई, यूनिटी है, आप लोगों में यूनिटी नहीं है, आप लोगों में ये है कि कैमरा फेस मेरा आ जाए, ये मेरा भाई नहीं चाहिए, मेरा भाई पीसीआर में बैठकर बंदा। और एक वजह और, एक वजह और जिसकी हमें आज बात करनी पड़ेगी फैसल भाई से, अगर हो सके तो ये चीज आप लाइव भी कर सकते हैं, और वो वजह यह है कि हमारी टीम में 3 लड़के और वहाँ पे हैं 4 लड़के, हम एक लड़का, हमारी टीम में 5 लड़कियाँ और वहाँ सिर्फ 3 लड़कियाँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, आज शरोज भाई ने कहा समझे है, आप ही कहा है शरोज भाई, तो पूछ लो जाके कि भाई जैन नहीं आ रहा है, अगर जैन कल नहीं आता तो अगले हफ्ते सिकंदर ज्वाइन कर रहे हैं टीम। देखो सिकंदर भाई अगर ज्वाइन करते भी हैं फिर भी एक लड़की दो लड़कियाँ कम होनी पड़ेंगी, देखो 4 लड़कियाँ सामने, 4 लड़कियाँ यहाँ, 4 लड़के वहाँ, 4 लड़के यहाँ, उधर कितने लोग हैं वहाँ, तो बहुत आउट है ना, 4 लड़के, 3 लड़के, 3 लड़कियां, 5 लड़कियां, यानी लड़कियों पे फसाद ज्यादा है बिल्कुल। तो आप ग्लैमर थोड़ा हटा के जला दें, थोड़ा ग्लैमर डालना चाह रहे हैं? नहीं ग्लैमर डालो ना, 4 या 4 मां, 4 कौन कौन नाम बता दे भाई, लड़कियों को फाइनल कर दे, फाइनल कर दे, टीम इक्वल तो करो, किसी को भी डालो, लड़कियां फाइनल कर, किसी को भी डालो, बात सुनो, किसी को भी डालो जो भी नहीं है, ये बोल रहा अनिल का हटा दो भाई, ये बोल रहा अनिल भाई, जब वो खेलना ही नहीं चाह रही गेम्स, गेम वो गेम्स खेलने नहीं चाह रही, आवाज आवाज, देखो आवाज की बात नहीं है, बात सुनो, हमें यहाँ पे गेम्स खेलने मेरे भाई, गेम शो का नाम है सोनो गेम शो, हमारा डांस भी काउंट होता है गेम्स में, सिंगिंग आवाज, हमारा सिंगिंग भी काउंट होता है गेम में, आवाज का लेना देना कोई नहीं है भाई, मेरा एक एक अलग मेरा एक मानना है, देखो भाई मुझे बोलने होते हैं जब बोलता हूँ बीच में, मेरा एक मानना है अनिल का बिल्कुल सही है, दुआ बिल्कुल सही है, जैन भी सही है, सिकंदर भी सही है, उसामा, शराबी और अब्दुल्ला, अंजिश का है, अंजिश नहीं, अंजिश बिल्कुल ही गलत है, अंजिश बिल्कुल बेकार औरत है, औरत कटी हुई यार, काम की बात, काम की बात, काम की बात, काम की बात, बात सारी ये है भाईजान कि हम लोगों को एक होकर यूनिटी ले आओ, हर एक दूसरे के लिए खेलने के लिए बोलना होगा, चोको जा तू खेल, शराबी जा तू खेल, ये करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा, मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं, मेरी तो सुन ले, बलून वाला जो आ रहा है सुन भाई, अबे लेकिन ऐसा नहीं मेरी हो सकता, सुन यार, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे एक बात बताए आप सब जो देख रहे हैं, चौको तू भी बता, रैपिड फायर के पॉइंट्स वो गेम में काउंट होगा, होगा ना, जाहिर है होगा ना, 5 सेकंड होगा, जो होता है ठीक है, होगा, जंप बॉक्स वाले खेलते हैं ये इसके पॉइंट्स है, ये गेम में तो काउंट होगा ना, एक्टिंग सेगमेंट बिल्कुल होगा ना, इसको ये गेम्स मानते हैं ना, 5 सेकंड को गेम मानते हैं ना, डांस को गेम मानते हैं ना, सिंगिंग को गेम मानते हैं, नहीं 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 मुझे हटा के बोलिएगा, मैं हमेशा मुझे भेज देते जब आप लोगों को बोलना नहीं आता इसलिए मुझे भेजते हैं, बताओ कैसे
मुझे मतलब तुम्हें आज फाइनल टेबल में जाना था उसी में क्यों यार हां तो अनिलका को मैंने भेज दिया ना अब अनिलका का जो है गेम वो तुम खेलोगी यही वजह है जो आप लोग कभी नहीं जीते आपस में लड़ लो ना मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो इससे तुम इतनी बातें कर रही हो मुझे एक बात बताओ तुम इससे इतनी आंखों में आंखें डाल के बात कर तुम्हारी आंखों में कशिश अस्मा को देखो यहाँ से तुम्हारी आंखों में बिल्कुल कशिश नहीं पड़ रही इसकी अट्रैक्शन कितनी अट्रैक्शन तुम्हें मुझे ये पता इसको देखा हंसी आ रही है इसको मेरे भाई सिंपल सी बात यह है कि आज मुझे जीतना है आज मुझे जिता दो कल बेशक हार जाना आप बहुत गंदा खेल रहे हो बहुत गंदा खेल रहे हो टीम गेम मैं इस गेम में मैं जिस गेम में क्यों जीत कर आऊंगा मैं इस गेम में मैं भी डांस मार के आया खाली चलो डांस तो नहीं टीम गेम में एक ही डांस में हार के आया हूं खाली डांस तूने किया ही नहीं अब्दुल्ला भाई तुम्हें खेलना पड़ेगा कि सामने खेल रहा हूं दुश्मन है मैं खेल नहीं रहा क्या ऐसे खेल ऐसे ऐसा वो बहुत शिट एक गोल हो गया शिट तो बोलो अबे एक गोल हो गया अबे हैरान यार हंसता है मुझे देख देख के मैं क्या करूं यार अबे दूसरा हो गया अबे खैर हो गई क्या हो गया भाई देखो ये रहे पांच ये देखो इधर मैं नहीं आऊंगा ये पांच नंबर ये रहे ठीक है चार नंबर का वो अपना 5 सेकंड बचा है हमारे पास ठीक है उसके बाद दो टीम गेम्स आएंगे ठीक है हम कोशिश करेंगे जीतेंगे टीम गेम पांच नंबर का है बलून वाली आ रही है पकड़नी है तो भाई ये जो सारे जो हालात हैं वो हालात ये हैं कि मुझे आगे बैठना है तो मुझे इस तरफ बैठना है तो मुझे इस गेम में जाना है तो मुझे उस गेम में जाना है ये लड़ाइयाँ हैं जिनकी वजह से हम लोग जीत नहीं पा रहे हम लोग हार रहे हैं नज़र आ रहा है आपको भी जाहिर है जब आप लाइव देख रहे हैं तो आपको भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि क्या क्या हो रहा है भाई मैंने तो अपना 100% दे रहा हूँ मेहनत कर रहा हूँ सब कुछ कर रहा हूँ क्या करें क्या हुआ क्यों क्यों मेरे हारने की वजह से क्या हो गया यार बाबा कोई मसला नहीं यार खैर हो गई हार जीत तो होती रहती है ऐसा थोड़ी होता है तुम तो कराची की तरह हार रहे हो जैसे कराची हार रहे हैं लोग फिर कहते हैं कराची जीतेगा अभी भी लोग कहते हैं कराची जीतेगा आठ हार गया वही हाल था मेरा अब क्या करूँ पता नहीं मैं क्या करूँ मेहनत की तो इतनी जी तो बहुत सारी उदासी और दिल टूटने के साथ मैं करता हूँ इस व्लॉग को यहाँ पे एंड देखें जब तक टीम बैलेंस नहीं होगी हमारी पांच गर्ल्स आएंगी खेलने और उनकी तीन गर्ल्स आएंगी खेलने तो जाहिर बात है उनके पास ज़्यादा चांस है जीतने के और ज़्यादा पॉइंट्स लाने के उनके पास ज़्यादा चांस है वहाँ पे लड़के चार हैं और यहाँ पे लड़के तीन हैं खैर लड़कों वाली बात इतनी नहीं है लेकिन गर्ल्स वाली बात है जिसके बाद सब लोग हार रहे हैं और बाकी जैन और सिकंदर भाई मिस यू यार यकीन करें आज आप दोनों को बहुत मिस किया है जल्दी से आ जाओ टीम में यार यकीन करें बहुत मिस कर रहा हूँ मैं आप लोगों को और बाकी आप लोग भी कमेंट में लाजमी बताएं कि क्या वजह है हमारे हारने की क्यों हम लोग हार रहे हैं आप लोगों को क्या लगता है बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे न्यू आने वाले व्लॉग जो हैं वो बहुत ही अच्छे होने वाले हैं तो स्टे ट्यून्ड तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़